देवास के जवाहर चौक में बहादुर शाह मार्ग पर एक अनोखा मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक मकान के दो मालिक सामने आकर खुद की संपत्ति बता रहे हैं। एक मालिक ने मकान को लेकर न्यायालय में शरण ली, जिसके बाद न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय सुनाया। उसके बाद भी मकान में रह रहा परिवार, जो खुद को उस मकान का मालिक बता रहे हैं, खाली करने को तैयार नहीं है। कोर्ट से आदेश आने के बाद भी मकान नहीं खाली करने को लेकर पुलिस मकान को खाली करवाने पहुंची, जिस पर मकान में रह रहे परिवार की लड़की ने खुद के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगाने लगी। वहीं महिला ने खुद को मकान मालिक बताने वाले व्यक्ति की पुलिस के सामने डंडे से पिटाई कर दी। काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिसके बाद पुलिस ने दो दिन के अंदर न्यायालय से स्टे आने का कहा, अन्यथा मकान को खाली करने की चेतावनी दी। ये मकान 2003 में मैंने लिया था, उनके बाद ये करा था, इनको दिया मैंने, तो ये खाली नहीं कर रहे थे। इसमें कोर्ट का अड़ला पड़ा, कोर्ट के आदमी 5 बार पहला भी डिग्री लेके आए थे खाली कराने, तो इनने खाली नहीं करा, मजबूरन हमको पुलिस से करना पड़ा, पुलिस दल के द्वारा काम करना पड़ा, कोर्ट डांट दिया, पुलिस बन गया। 5 बार अमीर लोग आए, इन लोगों ने खाली नहीं करा, वो तो समझाए गए इनको। कोर्ट में भी 18 तारीख लेके हुई नहीं, इतना कहाँ से ऑर्डर लेकर के आ गए, इतना फोर्स से लेकर के आए, कोई सूचना भी नहीं दी इन्होंने, खाली कर क्या करना है, ये कोई सूचना नहीं दी। कौन है इस मकान का मालिक? सूचना रहता है, क्या केस चल रहा है? केस चल रहा है, ये ठोकेश रजिस्ट्री करा, कौन कौन? ये ईश्वर फाजपन ने ठोकेश रजिस्ट्री करा ली, बोले मैं इंदौर ले जाकर रजिस्ट्री करी, और बोले मैं विवाद करते हुए पैसे देता हूँ, पैसा दिया नहीं इसमें। अभी कौन रह रहा है इसमें? अभी हम रह रहे हैं, कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ पे बचपन से ही रह रही है, रहाई सी। क्या बताया जा रहा है अभी, कोई आपकी बीवी की तबीयत भी खराब हो गई? हाँ, मिसेज की तबीयत खराब हो गई, बाटल जो सतमे से बाटल चले गए, मिसेज मतलब लड़की जो है डॉक्टर। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।